देखिए आज हमारे कॉलेज में ना रजिस्टर मिला ना कॉलेज है, वो कॉलेज ग्राउंड है और कॉलेज में कॉलेज ग्राउंड का गेट भी नहीं बना है। और हम जब प्राचार्य सर से बात करे तो करते तो प्राचार्य सर हमको देख के भागते और हमसे नजर चुरा के भाग जाते। हमसे बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? और वहाँ पर जो लड़के वो लेखापाल है जो नाम नहीं आ रहा उनका अजय बेरांगी, वो लड़कों को हर बार कुछ ना कुछ बोलते रहते, हर बार लड़कियों को डांटती और शादीशुदा लड़कियां वहाँ पर आती है तो उनको बोलते उल्टे सुलटे शब्द बोलते। कोई शादीशुदा लड़के को कलेक्टर मैडम हमारी कॉलेज में नहीं आई है। और जब हम प्राचार्य सर को कुछ आवेदन देते बोलते हैं कि वो लड़के को भगा देते हैं। और एक दिन हम विनय भैया को लेके गए थे और बाहर की भोपाल की लड़की हमारी कॉलेज में आके रह रही और वहाँ की स्टूडेंट नहीं है, फिर भी प्राचार्य सर को मैंने बोला तो बोले कि मैंने मेरे को बोले कि तू कितने दिन तक आई थी और मैं इंदौर में पीएससी की बात कर रही हूं। और वो लड़की रोज आती और गर्ल्स हॉस्टल में रोज जाती है और लड़कियों के नेक्स्ट वो क्या बोलने से प्रोग्राम देती है। हमारी कॉलेज में रोज प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर और वहाँ पर ना टीचर एक मैडम है फैशन मार के आती है वहाँ पर अच्छे से मेकअप करके आएगी और वहाँ घूम के वापस आ जाएगी। फ्री हो गए पैसे मिल रहे हैं उनको वहाँ पर मैडम है सब एक एक टीचर है वहाँ पर कोई पढ़ाने नहीं जाता, सिर्फ दो तीन लेक्चर लगते हैं सुबह के, ना प्राचार्य बैठे रहते हैं ऑफिस में जो उनको ऐसे चाहिए और हमको नहीं चाहिए क्या? हम भी तो कुछ ना कुछ करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना है? हमारे भी माँ बाप भेजते हैं हमको भी कितना मजदूरी करके वहाँ मजदूर जाते हैं हमारे पास फिर भेजते हैं। आज एक लड़की मेरे को कॉल की थी गुजरात से, फोन आया था कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है उनके किराए के लिए तो इसलिए मैं यहाँ गुजरात आई हूँ मजदूरी करने। आज लड़कियाँ कॉलेज में नहीं आ रही है मजदूर पैसे के कारण से, ना छात्रावृत्ति मिल रहा है ना आवास मिल रहा है। बताओ अभी दो साल हो गए और पीएससी के एग्जाम पास हो गए पीएससी के अच्छे से सोते नींद से वाह हम तो फालतू झप्पर बना तो क्या पढ़ने नहीं आते। और रजिस्टर वहाँ हमारी कॉलेज में रजिस्टर इतने सारे पड़े हैं पर एक भी प्राचार्य सर भी बोलते कि दे दो इनको, जब लड़कियाँ बोलती है तो मिल जाएंगे और वहाँ ढेर पड़े रूम में फिर भी रजिस्टर नहीं मिल रहे। अजय बेरांगी सर हमेशा लड़कियों को टॉर्चर करते रहते, अगर वो करेंगे दूसरी बार में डंडा लेके जाऊंगी और वहीं पे भटकाऊंगी। लड़के को कौन डरा सकता है? और जब मैं कुछ बोलूं तो मेरे सामने कुछ बोल दे और माँ कसम जमीन की कसम खाकर तो कहती हूँ उसको मैं मारूंगी तो मारूंगी क्योंकि हमेशा मेरी लड़की को टॉर्चर करता है वो। उसके बाद और वहाँ पर प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोलता, उसके साथ मिला है वो अभी और आज तक मैडम अंदर बैठी है फिर भी नहीं आ रही है। कभी कम से कम बच्चों की तो समस्या समझे। बाबू जी प्रिंसिपल का काम कर रहा है और प्रिंसिपल के अंदर घुसे हुए हैं। आप कब होगा सर? पाँच बता दीजिए कलेक्टर मैडम आएगी तो हर बार नहीं आते कितने बार देखो आप वो जनता के बेटे हो जनता की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप कलेक्टर हो तो हर बार यहाँ पर हर बार मंडाना पड़ेगा आपको नहीं चाहते मीना मिलाने जाएंगे बस बात खत्म हो गई। सर हर बार हम लोग आते हैं सर सर हमारा केंद्र बैठो 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 बै